हेलो स्विमर्स, देखिए स्विमिंग में ब्रीथ का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए अगर आप ब्रीथ ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पा रहे हो तो आप स्विमिंग में क्या होगा, आप बार बार हेड को ऊपर करोगे और उससे क्या होगा, आपका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक स्ट्रांग ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्विमिंग में, और इसको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके आप बढ़ा भी सकते हो। तो इसमें कुछ होम वर्कआउट भी होते हैं, मतलब घर पर भी कर सकते हो, कुछ पूल के अंदर भी आप आके ईजिली कर सकते हो। तो ये एकदम मैं बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी ब्रीथिंग को एटलीस्ट 1 मिनट तक आप इजीली होल्ड कर लोगे। इसमें हम लोग बात करेंगे डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग का और CO2 टॉलरेंस को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और इनहेल एक्सहेल किस तरह करना होता है, कांस्टेंट पेस में किस तरह एक्सहेल करना होता है, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और फिर जिन लोग को भी ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही होगी, इस चीज़ को ट्राई करने के बाद आप देखोगे 1 या 2 हफ्ते में आपकी ब्रीथिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो पहली जो टेक्निक है वो है डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका डायफ्राम होता है उसको हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, उससे उसको हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक डीप ब्रीथ लेते हैं, जितना डीप आप ब्रीथ ले सकते हो लो, और बहुत ही स्लो पेस में इसको एक्सहेल करना होता है, ठीक है। इसको आप घर पर भी कर सकते हो और इसको आप लोग पूल में भी कर सकते हो। पूल में भी किस तरह करना है कि आपने एक डीप ब्रीथ लिया, आपका लंग्स क्या होगा, आपका डायफ्राम क्या हुआ, वो एक्सपेंड हुआ, उसके बाद पानी के आप नीचे गए और धीरे धीरे करके आपने एक्सहेलिंग स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे जो कैपेसिटी होगी और जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसको भी आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बहुत ही क्विक ब्रीथ लेते हैं साइड में, और फिर क्या करते हैं, क्विक ब्रीथ लेके हम लोग 3-4 स्ट्रोक करते हैं, फिर से ब्रीथ लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज सेम वही है कि आपको क्विक ब्रीथ लेना है और फिर होल्ड करना है। मतलब आपने क्विक ब्रीथ लिया, फिर हेड को डाउन करके होल्ड किया, या फिर आप ऊपर भी ऐसे कर सकते हो। तो जितना आप क्विक और जितना डीप ब्रीथ ले सकते हो उसको लो, और फिर होल्ड जितना आप देर तक कर सकते हो करो, और फिर जब एक्सहेल करने की बारी आए तो उसको धीरे 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 करके आप एक्सहेल करना है। तो इससे भी आपके जो लंग्स कैपेसिटी है, जो ब्रीथिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। तो देखिए इनहेल एक्सहेल के बारे में तो सबको ही पता होता है, जो स्विमिंग सीखता है उसको इनहेल एक्सहेल डे 1 पे ही बताया जाता है। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न होता है जिसको आप अगर आप फॉलो करोगे तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लोगे। तो डीप इनहेल करने पे क्या होगा कि आप जो आपके अंदर ऑक्सीजन होगी उसको आप कंजर्व करोगे, और फिर जब एक्सहेल कर रहे होगे तो फिर एक थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक्सहेल करना है। जब अगर आप ज़्यादा टाइम लेके एक्सहेल करोगे तो फिर आपका हेड उतनी देर तक नीचे रहेगा, और जितनी देर तक आपका हेड नीचे रहेगा स्विमिंग करते वक्त, उतनी ही देर तक आपका हैंड मूवमेंट भी चलेगा और आप ज़्यादा देर तक स्विमिंग करोगे। और हमेशा अगर आपका हेड डाउन है, आप एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन पोजीशन में हो, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से ग्लाइड होती है। तो इस चीज़ को इनहेल एक्सहेल की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इनहेल करना है डीप और एक्सहेल करना है कांस्टेंट पेस में। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग घर पे कौन कौन सा वर्कआउट कर सकते हो। घर पे वर्कआउट करने के लिए सबसे पहला होता है CO2 टॉलरेंस को बढ़ाना। CO2 टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इनहेल किया, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, फिर वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में होता है, जब आप एक्सहेल कर रहे होते तो CO2 में एक्सहेल होता है, तो जाहिर सी बात है अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर वो CO2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो उस CO2 को हम लोग कितनी देर तक अपनी बॉडी में होल्ड कर सकते हैं उसी को बोला जाता है CO2 टॉलरेंस। तो CO2 टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसको आप जरूर ट्राई करिएगा। तो पहला है कि आपको इनहेल खूब डीप करना है, उसके बाद एक्सहेल नहीं करना है। इसमें डीप इनहेल करने के बाद आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेना है, इतनी देर तक होल्ड करना कर लेना जब तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील कर रही है। फिर मान लीजिए थोड़ा सा जब आप बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, जब आपको लगेगा यार दम घुट रहा है, तो आपको धीरे धीरे और बहुत ही एक कांस्टेंट पेस में एक्सहेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, इसको करना है। फिर उसके बाद 2 मिनट रेस्ट करना है, 2 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर से इस चीज़ को रिपीट करना है। तो अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से माहिर कर लिया ना, तो फिर आप ये मान के चलो आप ब्रीथिंग काफ़ी देर तक बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर ले जाओगे। और देखिए इस एक्सरसाइज का यही मतलब होता है कि आप जब स्विमिंग कर रहे होते हो, जब आप हेड को डाउन करते हो, तो जो दम घुटता है ना, वो दम क्यों घुटता है, क्योंकि आपके मसल्स वर्क करती रहती है, आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया वो CO2 में कन्वर्ट होता रहता है, और फिर आपका दम घुटता है तो आप ऊपर हेड बाहर निकाल के ब्रीथ लेने की कोशिश करते हो। तो अगर आप ज़्यादा देर तक हेड को डाउन किए रहोगे, ज़्यादा देर तक आप CO2 को अपने बॉडी में रहने दोगे, तो फिर क्या होगा, उसे CO2 टॉलरेंस भी बढ़ जाएगा और आपकी ब्रीथिंग भी ज़्यादा देर तक रुकेगी और आपकी स्विमिंग भी अच्छी हो जाएगी। और एक और ट्रिक है, इसमें क्या होता है, जनरली छोटे बच्चे इसको करते हैं, मैंने भी किया था, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लंग्स को मजबूत करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आप ब्रीथ होल्ड कर लो और अपने घर में या अपने रूम में वॉक करो जितनी देर तक आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ब्रीथ होल्ड किया, अगर आप बैठे बैठे या खड़े खड़े ब्रीथ होल्ड करते हो तो फिर आप ज़्यादा देर तक ब्रीथ होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ब्रीथ होल्ड किया और आप वॉक कर रहे हो, तो आपकी मसल्स वॉक मतलब मसल्स वर्क कर रही है, और जब मसल्स वर्क कर रही है तो फिर आप
आपकी जो ब्रीथिंग होगी वो जल्दी टूटने लगेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करते हो ना कि ब्रीथ होल्ड करो और कोशिश करो कि मैं 5 राउंड अपने रूम का ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, अगले दिन टारगेट करो 6 राउंड लगाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि जब आप स्विमिंग करोगे तो स्विमिंग में भी आपकी मसल्स वर्क करती है, तो वो चीज़ दोनों कनेक्ट हो जाएगी। जब दोनों चीज़ कनेक्ट हो जाएगी तो आप स्विमिंग में भी ज़्यादा देर तक ब्रीथ को होल्ड कर ले जाओगे। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ट्राई करिए। तो मतलब कि एकदम नॉर्मल है, आप कहीं जा भी रहे हो तो आप ये मान के चलो कि मुझे 20 कदम चलना है और मैं 20 कदम अपनी सांस रोक के ही चलूँगा, तो ये भी आपकी लंग्स को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और अब बात करते हैं कि लंग्स को एक्सपेंड करने की कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि यार लंग्स को कौन एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन होता है। जितने भी फ्री डाइवर्स होते हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप पहले एकदम डीप इनहेल कर लो, जितना आप डीप कर सकते हो, उसके बाद भी आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इनहेल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका मतलब एक बार आप फुल्ली इनहेल कर लो, फुल्ली इनहेल करने के बाद इस चीज़ को ट्राई करना है। फिर धीरे धीरे अपने ब्रीथ को, छोटी छोटी ब्रीथ को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो फिर आप देखोगे कि ये आपके लंग्स को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन मतलब इसको बोला जाता है लंग्स एक्सपेंशन एक्सरसाइज, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई है और जिस विजुअल आपने देखा ही होगा सबका, तो उसी तरह आपको परफॉर्म करना है। और इस तरह करके आप अपने ब्रीथिंग को बढ़ा लोगे, उसके बाद आप एक ब्रीथ में भी अपना स्विमिंग पूल की लेंथ को कवर कर लोगे और अपनी स्विमिंग इंप्रूव कर लोगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।